ये तो वरुण गांधी हैं, ये तो दूसरे संजय गांधी हैं, ये वरुण की आंधी है और वरुण की आंधी अब ठंडी पड़ गई है, वरुण की आंधी बेअसर हो गई है, वरुण की आंधी का असर नजर नहीं आ रहा, अब वरुण की आंधी कहीं खोसी गई है। एक वक्त पर बोलते थे वरुण गांधी तो अपनी पार्टी पर भी निशाने साधते थे और आज चुप्पी साध कर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। वरुण की इसी आंधी पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। कहां गए वो वरुण गांधी जिनके अंदर का युवा जोश बाकी नेताओं को प्रेरित करता था? कहां गए वो वरुण गांधी जो अपनी पार्टी के गलत फैसलों के खिलाफ बुलंदी के साथ आवाज उठाते थे? कहां गए वो वरुण गांधी? कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी में वरुण की आंधी का अस्तित्व खत्म तो नहीं हो गया? इस तरह के तमाम सवाल उठाते हैं और इस तरह के तमाम सवाल सुनाई पड़ते हैं। इन सवालों के बीच में सबसे खास बात यह है कि वरुण से जब भी कोई सवाल किया जाता है, वरुण कहते हैं ये तो पार्टी का फैसला है। वरुण से सवाल किया गया कि आखिर इस बार आपने और आपकी मां ने सीटों की फेरबदली क्यों की, वरुण कहते हैं पार्टी का फैसला है, हमने माना है। वरुण से जो भी कहा जाए सिर्फ और सिर्फ पार्टी की तारीफें करते हैं, पार्टी के लिए तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन अपना पक्ष अब खुलकर रखना शायद वरुण गांधी भूल चुके हैं। वरुण गांधी का हाल ऐसा क्यों हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। वरुण गांधी की राजनीति का सूरज अब भारतीय जनता पार्टी में उगेगा या डूबेगा, इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद की किरण बनकर वरुण गांधी की जिंदगी में अब कौन सा फैसला आने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बुरी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और इस प्रचंड बहुमत के साथ हुई जीत के बाद एक विवाद पार्टी के अंदर जन्म भी ले चुका है। ये विवाद है कि अब गांधी कहेंगे बीजेपी को टाटा बाय बाय। मेनका गांधी से लेकर वरुण गांधी, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, ये दोनों ही बीजेपी से खफा होकर, बीजेपी से मुंह मोड़कर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह की तमाम खबरें आए दिन सुनने में आती हैं, आए दिन जोर पकड़ती हैं। और वरुण गांधी को लेकर अब पार्टी क्या करे, कि अगर वरुण गांधी बीजेपी से अलग हो जाएं तो पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस सवाल का जवाब राजनीतिक विश्लेषक देते हैं, पार्टी पर फर्क पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक अमित शाह को लेकर कहते हैं कि अगर अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ये सोच कर बैठे हैं कि बिना गांधी के ही कांग्रेस का मुकाबला कर लेंगे तो चाणक्य की भूल होगी। अमित शाह जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उन्हें लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों की राय ये है कि अभी भी वक्त है अमित शाह को समझना होगा। अगर गांधी का मुकाबला करना है तो जरूरी है यहां पर वरुण गांधी का बीजेपी में होना। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 के बाद यूं तो कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है जो 2022 में होने वाले हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं, जब बात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की हो तो 2022 बहुत ही कम समय है, 2022 बहुत जल्द आ जाएगा। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई कांग्रेस को समेटना शुरू कर दिया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं। यूपी में पत्रकारों को आजादी नहीं है, यूपी में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यूपी में गुंडागर्दी है, यूपी में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, यूपी में यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, ऐसे कई मुद्दे प्रियंका गांधी वाड्रा उठाती जा रही हैं। यूपी में मंचले किस तरह लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कैसे लड़कियों के प्रति जघन्य अपराध यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं। इन मुद्दों की संजीदगी को जनता पहचान रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़ी है, ये बात तो आप सब जानते हैं। अगर कांग्रेस के गढ़ में 5 साल मेहनत करके स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी से उखाड़ फेंक सकती हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ ऊपर कर सकती हैं। और फिलहाल इसी कोशिश में लगी हुई प्रियंका नजर आ रही हैं। जब प्रियंका यूपी में इतनी ज्यादा सक्रिय राजनीति कर रही हैं तो बीजेपी क्या करे? जैसा कि आप सब जानते हैं, वो वक्त चला गया जब हिंदुत्व के नाम पर आप वोट बैंक अपना सिक्योर कर सकते थे, अब तो जनता मुद्दों पर जाती है, जो मुद्दे आप उठाएंगे उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता आपको वोट देगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फिलहाल काफी ज्यादा संजीदे मुद्दे उठा रही हैं, वो मुद्दे जो सीधे जनता को पार्टी से जोड़ते हैं। अब इसका तोड़ यहां पर निकालती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर वरुण गांधी को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंट्रोड्यूस करने की रणनीति बनाती है। जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ये खबर आ रही है कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से बनेंगी। तो इसे लेकर राजनीतिक की जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को अपना चेहरा बना दे, वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, तो प्रियंका की आंधी बेअसर हो सकती है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हावी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की आखिरी राय, इस गलतफहमी से बाहर निकल जाएं। अमित शाह गांधी का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, और प्रियंका गांधी जिस तरह से काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने की कोशिशों में लग चुकी हैं, इसके लिए जरूरी है गांधी वर्सेस गांधी का घमासान। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला करना है, प्रियंका गांधी वाड्रा का तोड़ निकालना है, तो वरुण गांधी को मुख्यमंत्री 2022 में बनाने की घोषणा करनी होगी। वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान देनी होगी, और अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो मेनका गांधी यहां पर बीजेपी से जुड़ी भी रहेंगी, वरुण गांधी बीजेपी से जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि इस मोड़ पर आकर राजनीति के वरुण गांधी को भी पद चाहिए। और अगर वो मनचाहा पद पार्टी वरुण को दे देती है, अगर पार्टी वरुण को उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती है, वरुण गांधी खुश हो जाएंगे, मेनका गांधी खुश हो जाएंगे, और इनकी इस खुशी का असर पूरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखना होगा, क्योंकि अच्छी खासी रणनीति अमित शाह बनाना जानते हैं, ऐसी रणनीति बनाने में उनका कोई तोड़ नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने अपने अंदर ऐसी ही चीजें समेट कर रखी हो। जो भी सच है वो तो आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे रहेंगे, अपनी राय नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें SPN9 News को और रहें अपडेटेड।